डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म ने एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा है। साउथ फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाने वाले डायरेक्टर की फिल्म एनिमल को ए सर्टिफिकेट मिला है। उम्मीद की जा रही थी कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इस बात से पिट सकती है, लेकिन फिल्म ने शानदार कलेक्शन कर ये बता दिया है कि आखिर क्यों संदीप रेड्डी वांगा की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती है। फिल्म को रिलीज हुए 5 दिन हो गए हैं और अब फिल्म का टोटल कलेक्शन 500 करोड़ से चंद कदमों की दूरी पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रणबीर कपूर की इस फिल्म ने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है? क्या है वो रिकॉर्ड, आइए जानते हैं। रणबीर कपूर की एनिमल उनके कैरियर की पहली फिल्म है जिसकी ओपनिंग बेहद शानदार रही है। फिल्म को लेकर जबरदस्त बज था जिसका मेकर्स को जबरदस्त फायदा भी मिला। अब 5 दिनों में एक अनोखा रिकॉर्ड बनाकर फिल्म ने शाहरुख खान की पठान, सनी देओल की गदर 2 और KGF 2 को भी धूल चटा दी है। दरअसल रणबीर कपूर के एनिमल के हिंदी वर्जन ने पिछले 5 दिनों में 250 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं साउथ भाषाओं में अभी तक टोटल कमाई 33.39 करोड़ रुपए की हुई है। इस तरह भारत में एनिमल का कलेक्शन 284.08 करोड़ रुपए हो गया है। करोड़ रुपया हो गया है। पूरी संभावना है कि बहुत जल्द ये फिल्म 300 करोड़ को भी पार कर जाएगी। एनिमल ने एक दो नहीं बल्कि 7 फिल्मों को पछाड़ दिया है। सबसे तेज 250 करोड़ कमाने वाली एनिमल दूसरी फिल्म बन गई है। पहले नंबर पर शाहरुख खान की फिल्म जवान है। रणबीर कपूर की फिल्म ने पठान, गदर 2, KGF 2, बाहुबली 2, दंगल, संजू, टाइगर जिंदा है जैसी मूवीज की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जवान ने सिर्फ 4 दिनों में ये रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया था। 5 दिन में एनिमल, 5 दिन में पठान, 6 दिन में गद्दर 2, 7 दिनों में KGF 2, 8 दिनों में बाहुबली 2 और 10 दिनों में दंगल, संजू, टाइगर जिंदा है इस आंकड़े को छू पाई थी। आपको बता दें कि ऑडियंस को रणबीर कपूर का एक्शन अवतार पसंद आ रहा है। फिल्म में रणबीर कपूर के साथ रश्मिका मंदाना और अनिल कपूर जैसे सितारे भी नजर आ रहे हैं। क्या आपने एनिमल देखा है? अगर देखा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए आपको कैसी लगी।